गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, जैसे हम सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे इसमें डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे हम। इनको अरेंज, बस आपको इसको सही करना है, सही से इनको अरेंज करना है, और उसके बाद ऐड तो जैसे हम सिंपल नंबर्स को करते हैं सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है आपको। यहाँ देखिए एक्सरसाइज आप कॉपी में डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए डेसिमल जो है ना, दोनों में आपको देखेंगे डेसिमल, और इनकी डेसिमल प्लेस भी सेम सेम है। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसको लिखें अरेंज करें, बस उसमें ध्यान रखना है कि डेसिमल के जस्ट नीचे आपको डेसिमल और डिजिट के नीचे डिजिट आपको लेनी है। बस आपको इसको ऐसे ही अरेंज करना है, बाकी आप जैसे हम प्लस करते वैसे इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए हमने इनको अरेंज कर लिया ऐसे, उसके बाद सिंपल हमने इनको ऐड कर दिया। तो डेसिमल के जहाँ पर आंसर में भी आपके डेसिमल के जस्ट नीचे ही डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस आएंगे। इस टाइप से आप इनको प्लस करेंगे, जैसे हम प्लस करते सिंपल वैसे ही प्लस किए हुए हैं, इसमें कुछ भी अलग से हमको नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, इसमें डेसिमल प्लेसेस अलग है, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल प्लेसेस सेम करने होंगे, है ना। जैसे यहाँ पर भी डेसिमल के बाद इसको भी 2 प्लेस करनी होगी, तो ये 2 प्लेस कैसे होगी, 7 के बाद हम क्या लगा देंगे 0। तो यहाँ पर हम 7 के बाद 0 लगा के इसको भी हमने डेसिमल की 2 प्लेस कर ली। सेम मतलब आपको डेसिमल के बाद प्लेसेस भी लाइक करनी है, सेम करनी है, और उसके बाद जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड हो जाएगा। जैसे 5.35 है एंड 7.481, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो आपको क्या करना है, 3 और 5 के बाद भी हमको एक 0 लगानी है, तो 0.5350 ये 3 डेसिमल प्लेसेस की भी सेम कर देंगे, और फिर इनको जैसे ऐड करना है वैसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका ऐसे करेंगे, ऐड एंड फाइंड द सम। यहाँ पे ऐसे इनको अरेंज करेंगे और फिर इनको आप ऐसे प्लस कर पाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ में से आप इनको देखेंगे। ऐसे 8.4 है, ऐसे जस्ट 8.5 है। 8.5 में आपको क्या करना है, जैसे 8.4 में प्लस किए थे ऐसे 8.5 में करना है सबट्रैक्ट, सेम वैसे ही अरेंज करना, और जैसे सबट्रैक्ट हम करते हैं वैसे आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सी डी और ई आप एडब्ल्यू में करेंगे, सबट्रैक्ट और प्लस करना आपको अच्छे से आते हैं, बस हम इसमें वही करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही करना है, जितने क्वेश्चन सम आपको कराए गए हैं वीडियो में उतने आप करेंगे, बाकी जो नहीं है वो आपको होमवर्क में करना है। देखिए बस हम इनको अरेंज करते जाएंगे, अगर प्लेसेस अलग है तो आपको प्लेसेस को क्या करना है, सेम करना है 0 लगा के, और उसके बाद जैसे हमने प्लस किए वैसे इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन होमवर्क में वो आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद आपके आ जाएगा एक्सरसाइज 8.4, देख लिया हमने। 8.5 में सब्ट्रैक्शन है, 8.6 है उसमें क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आप पहले डेसिमल प्लेस को, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, है ना। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, ठीक है, 36 में 28 का मल्टीप्लाई हम सिंपली कर लेंगे, डेसिमल को अभी नहीं देखेंगे। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें क्या करना रहेगा आपको, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है 1, और यहाँ पर डेसिमल के बाद सेकंड नंबर में कितनी प्लेस है 2, तो 2 एक इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो गई 2। तो आप इसमें क्या करेंगे, डेसिमल के 2 डिजिट छोड़ेंगे और आंसर में क्या लगा देंगे, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। मतलब जो मल्टीप्लिकेंट है और जो मल्टीप्लायर है, दोनों में आपको देखना है कि कितने कितने उसके डेसिमल की प्लेस है, और उन दोनों डेसिमल की प्लेस को आपको प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पर भी डेसिमल की 1 प्लेस, इसमें डेसिमल की 1 प्लेस, तो डेसिमल की 1 प्लेस और 1 प्लेस कितनी प्लेस हो गई, 2 प्लेस। तो जो आंसर आएगा उसमें आप यहाँ से 2 प्लेस के पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल। करना सिंपल वैसे ही है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे, पहले डेसिमल को हटा देना और सिंपल डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर आप क्या करना, दोनों नंबर्स में से डेसिमल की प्लेस को काउंट कर देना और आंसर में उतने ही डिजिट पहले डेसिमल लगा देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेसिमल की कितनी प्लेस है 2,
और ये कितनी है 1, तो 2 और 1 कितनी होगी 3, तो इसका जो आंसर आएगा ना उसका हम 1, 2, 3 डिजिट पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल। इसका COD होमवर्क में करेंगे आप। सेम मल्टीप्लाई जिसे हम मल्टीप्लाई करते वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल प्लेस को इग्नोर करके आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है 2, और इसमें तो डेसिमल की कोई प्लेस ही नहीं, तो जो आंसर आएगा उसमें आप डेसिमल की 2 डिजिट पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। इसे किया हमने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला आपको करके बताया है, इसमें क्या करना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो आप पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसके डेसिमल को हटा देंगे। कैसे हटाते हैं अपन डेसिमल को, डेसिमल हटा के 1 लगाते हैं, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर 2425 ईजीली आंसर आ जाएगा। इसी सारे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखिए बुक में करके बताया हुआ है, ठीक है। या इसका एक तरीका और आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने जो 1, 2, 3 कितने इसमें कितने 0 हैं, 1 और 2 0 है ना, 3 0 नहीं है इसमें, ये वाली 0 लगी हुई है। इसमें 100 है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे पीछे से ये एक देखिए, इसको जब आप हटाएंगे डेसिमल को और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 0 आ जाएगी ना, 3 0 से 2 0 कट जाएगी, तो एक डेसिमल पहले आपको नंबर आएगा। यहाँ पर 1, 2, 3 0 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको 2 डिजिट पीछे खसका देंगे, है ना। एक तो ये है इसे, और इसके आप और 2 0 और रहेगी तो 2 डिजिट ये पीछे आ जाएगा, तो इसका आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। ये आप करके देखेंगे इस ट्रिक से, है ना, डेसिमल हटाने वाली ट्रिक जो आपको ये बताई, इससे अगर आप करके देखेंगे तो आपके सारे आंसर ये वाले आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई जैसे अभी हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल की प्लेसेस कितनी है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आंसर में 1, 2, 3, 4 डिजिट पहले आपको बस डेसिमल लगाना है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इफ़ अ बकेट कैन होल्ड 30.5 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन सच एट बकेट होल्ड। अगर एक बकेट इतना वाटर होल्ड करती तो जो एट वन बकेट इतना वाटर होल्ड करती तो 8 कितना करेगी, वो आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे। अ बकेट होल्ड 30.5 लीटर वाटर, 8 बकेट होल्ड 30.5 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 244.0 लीटर वाटर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 आप HW में करेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट होती है। 8.7 में डिवाइड करना है, 8.7 में डिवाइड करने के लिए पहले आप इनके डेसिमल प्लेसेस को हटा लेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले डेसिमल प्लेसेस हटा के इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, जैसे आपको समझा दिया फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लाते हैं, उसके बाद आप इसको डिवाइड कर पाएंगे। देखिए सारे डिवाइड इस टाइप से कर लाएंगे।